ये क्या है? बीबी जी, चाय। आपने कहा था ना चाय लाने के लिए। चाय का मैंने कहा था तो सिर्फ चाय उठा के लिए आई। घर में कोई बिस्किट, कोई केक, कोई कबाब कुछ भी नहीं है क्या? जी है। तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? लेकर आओ। अभी लाती हूँ। बहुत मजा आया। आइसक्रीम तो बहुत ही मजे की थी। दोबारा कब खिलाने लेके जा रहे हैं? चलेंगे, मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। बात नहीं नहीं अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सना, शुक्र है तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ थी तुम? अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है? बताया तो था मैं और फारिस भाई घूमने गए हैं। अब तुम आ गई हो तो चलो बस अब पैकिंग करो, हम कल वापस जा रहे हैं अपने घर। ये क्या कह रही है खाला? अरे अभी कल ही तो आए आप लोग, इतनी जल्दी जाने का फैसला क्यों कर लिया? नहीं, मैं आप लोग को जाने नहीं दूंगा। ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारे वाली साहब का है। उन्होंने सख्ती से कहा है कि ना तो वो मुझे और ना ही मेरी बेटी को इस घर में बर्दाश्त कर सकते। बहुत ही सख्ती से बात की उन्होंने मेरे साथ। अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम कल ही वापस जा रहे हैं सना। वैसे फारिस, अम्मी कहती तो ठीक ही है, कोई घर आए मेहमानों की यूं बेइज्जती करता है? ये इज्जत है मेरी इस घर में? अम्मी आप सही कह रही हैं, मैं सामान पैक करने जा रही हूँ। तुम सामान नहीं पैक करोगी, बैठो इधर, अब्बा से तो मैं खुद बात करूंगा। और खाला, अम्मा या अब्बा आपको कुछ भी कहे ना, आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस घर का मालिक मैं हूँ। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी और जिस पर इस फैमिली का खर्च चल रहा है ना, ये सब मेरा है। और आप दोनों मेरे जाती मेहमान हैं, और मेरे मेहमानों की कोई इस तरह इंसल्ट करेगा ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। खाला सद के जाए। ठीक है बेटा। अब दोबारा वापसी जाने की बात मत करना। और सुनो, ये जो भी हुक्म करे ना फौरन पूरा करना, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। जी साहब जी। फारिस, तुम्हारे अब्बा ने कल मुझसे सही लहजे में बात नहीं की। तुम उनको समझा दो कि मैं ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा है। दोबारा जाने की बात मत करना, अब्बा से तो मैं खुद बात करूंगा। अभी उन्हें तुम्हारी हैसियत का पता नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। खाना खाओ। तुम तो लो।